भारत के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर एक इतिहास रच दिया। भारतीय साइंटिस्ट विज्ञान के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत में जन्मी उस बेटी की जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भर के ऐसे मिसाल को अंजाम दिया था जो पूरी दुनिया में इतिहास बन गया। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था, उसी तरीके की फुल स्टोरी वीडियो आपको रनिंग कराना सिखाएंगे, क्योंकि काफी सारे कमेंट आए थे कि सर इस तरीके की स्टोरी वीडियो जब हम पूरी बनाते हैं तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है या एक दो लाइन कम हो जाती हैं, ओके, सही तरीके से आवाज़ नहीं आती उसमें। तो इसमें सही तरीके से और पूरी स्टोरी वीडियो आपको बनाना सिखाएंगे, इसमें आवाज़ भी साथ में रहेगी जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था, पर यही एक वीडियो देखकर आप आराम से स्टोरी वीडियो बनाने लगोगे। तो आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऐप है काइन मास्टर ऐप। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए चलते हैं और इसी तरीके की स्टोरी वीडियो बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट नाउ पर करना है एक बार क्लिक। क्रिएट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी साइज आ जाएंगे, तो जो भी आप साइज लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग वीडियो का साइज ये है और शॉर्ट वीडियो का साइज ये है। तो यहाँ पर हम लेंगे लॉन्ग वीडियो का साइज यूट्यूब का, तो ये यूट्यूब का लॉन्ग वीडियो का साइज है, तो इस वाले साइज को हम ले लेंगे। तो चलिए इस वाले पर कर देंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद क्रिएट पर करेंगे एक बार फिर से क्लिक। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काइन मास्टर ऐप अपना ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पर देखना एक इमेज है जो कि आप अपने स्टोरी के हिसाब से आप लगा सकते हो। तो चलिए इमेज लेते हैं। इमेज लेने के लिए मीडिया पर करेंगे एक बार क्लिक। मीडिया पर क्लिक करने के बाद जितने भी फोल्डर होंगे वो सभी फोल्डर आ जाएंगे, तो आप जहाँ से भी लेना चाहते हो वहाँ से अपनी इमेज ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ से एक इमेज लेंगे, तो चलिए जल्दी से एक इमेज ले लेते हैं। तो इस पर करेंगे एक बार क्लिक और ये वाली इमेज वहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज अपनी आ चुकी है, तो यहाँ पर कल्पना चावला के ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपनी इमेज आने के बाद अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं सर मेरी टाइमिंग नहीं बढ़ रही है स्टोरी वीडियो की। तो यहाँ पर ये इमेज आप देख रहे हो लगभग 4 सेकंड के आसपास है, तो इसको खींचना होगा। इसको खींचने के लिए क्या यानी कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पीले कलर में आ जाएगी, यानी कि अब ये इमेज आप खींच सकते हो। तो चलिए हम भी इमेज इसको खींचते हैं। तो यहाँ पर इसको इमेज इस तरीके से हाथ रखकर खींचना, जैसे कि देख सकते हैं हम खींच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इमेज खींच लेना। 10 मिनट की स्टोरी वीडियो बना रहे हो या 20 मिनट की या 1 घंटे की या 2 घंटे की, इस तरीके से आपको इमेज खींच खींच कर बड़ी कर लेनी है, जैसे कि देख सकते मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लगभग 2 या 3 मिनट के आसपास ही इमेज खींच के बड़ी करेंगे, क्योंकि अगर आपने 2 मिनट की भी स्टोरी वीडियो बनाने लगे तो आप जितना चाहो उतने मिनट की या घंटे की स्टोरी बनाने लगोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रनिंग करने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इतना है लगभग, चलिए 4 मिनट के आसपास मैंने कर ली है यहाँ पर इमेज खींच खींच कर। देख सकते हैं यहाँ पर 4 मिनट के आसपास हो चुकी है, तो इतना काफ़ी। आप भी इसी तरीके से इमेज खींच लेना और तभी स्टोरी वीडियो लॉन्ग बन पाएगी, लॉन्ग स्टोरी वीडियो। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा था उसमें, तो वही लिखेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर एक इमेज लेकर आएंगे। तो चलिए लेकर आते हैं, यानी कि पट्टी जो आपको पीली दिख रही होगी इसी तरीके की पट्टी डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पट्टी लाने के लिए लेयर पर करेंगे एक बार क्लिक। लेयर पर क्लिक करने के बाद फिर से मीडिया पर करेंगे एक बार क्लिक। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये पीला कलर ले लेंगे, इस पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर ये कलर आ चुका है, यानी कि पट्टी आ चुकी है। तो फिर से यहाँ पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा क्रॉप करेंगे, तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पर नीचे आना होगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग पर करेंगे एक बार क्लिक और यहाँ से इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। तो चलिए पट्टी बना लेंगे इस तरीके की। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ से बैक पर क्लिक कर देंगे।
बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पट्टी पर करेंगे एक बार क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसको बड़ा करेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इमेज को इस पट्टी को बड़ा कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लिखा था तो वही हम लिख लेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से ही नोट्स में अपनी जो कुछ हम यहाँ पर हिस्टोरी है वो रनिंग कराएंगे और लिखेंगे वो पहले से मैंने मैटर क्या नोट्स में लिख के रख लिया। तो चलिए चलते हैं नोट्स में और वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नोट्स ओपन कर लिया है। नोट्स ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इतना मुझे पहले लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद काइन मास्टर में चलेंगे। काइन मास्टर में जाने के बाद और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए बस थोड़ा ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखने के लिए क्या करेंगे, लेयर पर करेंगे एक बार क्लिक। लेयर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर फिर से एक बार क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो अभी कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ओके पर कर देंगे क्लिक। तो चलिए उस ओके पर क्लिक कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ था वो आ गया है। अब इसका कलर चेंज करने के लिए कलर पर करेंगे एक बार क्लिक और यहाँ से रेड कलर पर कर देंगे क्लिक और राइट पर कर देंगे क्लिक। तो चलिए कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं अपना रेड कलर आ चुका है ताकि ये स्पष्ट पता पड़ सके कि ये किसके ऊपर है। इतना कुछ करने के बाद अब आपको गौर करना होगा ये दो इमेजें हैं इनको भी खींच खींच कर जितनी बड़ी स्टोरी वीडियो है उतनी ही बड़ी ये इमेज को भी खींच कर बड़ा करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। पहले ये वाली इमेज करेंगे तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने का इस तरीके से इसको भी खींच खींच कर इस वाली इमेज के बराबर कर देंगे। तो चलिए थोड़ा वीडियो कट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाली पीली वाली इमेज और जो लिखा हुआ है ये सभी मैंने बराबर कर दिए हैं ताकि ये रनिंग कराते वक्त ये भी लिखा रहे अन्यथा गायब हो जाएगा। ओके, तो इतना कुछ करने के बाद अपनी जो यहाँ पर अपन जो मैटर रनिंग कराएंगे अब आप ध्यान से देखना कि हम क्या करने वाले हैं। आप जितनी बड़ी मैटर है यानी कि अपनी स्टोरी है वो रनिंग करा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना बस। अब देख सकते हैं यहाँ पर चलते हैं हम नोट्स में। नोट्स में जाने के बाद अब कुछ नहीं बस कॉपी पेस्ट करना है और अपना वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप एक गौर करना तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मैंने पूरी स्टोरी है उसकी क्या है मैंने 8 लाइन में इस तरीके से बना ली है ताकि रनिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। इसी तरीके से आपको 8 या 9 लाइन के पैराग्राफ बना लेने हैं और यहाँ पर देख सकते हैं 8 या 9 यहाँ पर शब्द आपको मिलने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 लाइन और 8 ही शब्द आपको इस तरीके से पैराग्राफ बना लेने हैं तभी आपकी स्टोरी सही से रनिंग करेगी अन्यथा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी या आगे पीछे रह जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अपन पहला पैराग्राफ यहाँ पर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब चलते हैं काइन मास्टर ऐप में। तो चलिए काइन मास्टर ऐप ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काइन मास्टर ऐप अपना ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखने के लिए लेयर पर करेंगे एक बार क्लिक। लेयर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो अभी कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जैसे कि मैंने कर दिया है। अब ओके पर कर देंगे एक बार क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं अपना यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ गया है। अब इस अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसका कलर चेंज करना होगा। कलर चेंज करने के लिए कलर पर करेंगे एक बार क्लिक और यहाँ से चलिए कौन सा ब्लैक कलर पर कर देंगे क्लिक और राइट पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर अच्छे से दिख रहा है। फिर आप अपने अनुसार ले सकते हो जो भी कलर आपको पसंद है। अब यहाँ पर देख सकते हो हम अभी वीडियो प्ले करके दिखाते हैं ये जो है ये रनिंग नहीं करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर अभी वहीं की वहीं है। ओके, तो इसको रनिंग कैसे कराएंगे? रनिंग कराने के लिए क्या है इसको यहाँ पर क्लिक करना होगा जो लिखा हुआ है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ले कर आना है और नीचे ले कर आना है। केवल एक लाइन आपको दिखनी चाहिए। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पर एक चाबी का ऑप्शन है यानी कि की का ऑप्शन है तो इसी की के ऑप्शन पर करेंगे एक बार क्लिक। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं अपना लिखा हुआ है वहाँ तक इस तरीके से खिसकाएंगे जैसे कि मैं खिसका रहा हूँ। इतना कुछ करने के बाद अब ये जो लिखा हुआ है इसको ऊपर की ओर ले चलेंगे। तो चलिए इसको ऊपर की ओर ले चलते हैं।
इस तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद बिल्कुल डिस्प्ले पर नहीं दिखना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बैक पर क्लिक कर सकते हो या यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक कर सकते हो। तो देख सकते खाली जगह पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर टेक्स्ट है अपना वो रनिंग करने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते टेक्स्ट अपना रनिंग कर रहा है, पर यहाँ पर आप देख रहे होगे इस ये जो पट्टी है इसके ऊपर है ये, ओके। तो इसके पीछे कैसे लेकर आएंगे उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर तीन बिंदी पर क्लिक करना होगा। तीन बिंदी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते सेंड टू बैक, इस पर कर देना है एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद अब चलिए वीडियो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते अब इस पट्टी के पीछे चला गया है, ओके। अब आपको यहाँ पर देख सकते क्या है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो इसकी स्पीड स्लो करने के लिए यानी कि अपन इसको अभी खुद पढ़ेंगे और अपनी आवाज़ देंगे, तो आप अपने अनुसार इसकी स्पीड कर लेना। तो इसकी स्पीड कम करने के लिए फिर से यहाँ पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद या आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इतना कुछ करने के बाद अब इसको भी खींचेंगे ये जो टेक्स्ट है, तो चलिए इसको खींच लेते हैं। जितना आप इस तरीके से खींचते जाओगे उतना ही टेक्स्ट की स्पीड कम होती जाएगी रनिंग होने वाली। तो देख सकते मैंने लगभग इतना खींच दिया है, अब वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते इस तरीके से इसकी स्पीड हो गई है, तो अभी इसकी स्पीड देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है जब अपन इसको पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ी और कम करते हैं, तो फिर इसको खींचेंगे थोड़ा, यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चलिए और खींचते हैं इस तरीके से, और खींचते हैं, इतना काफ़ी है। अब चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। अब देख सकते यहाँ पर अब एकदम परफेक्ट स्पीड हो चुकी है। पहला ही पैराग्राफ आपको सही तरीके से बना लेना है, जैसे कि मेरा देख सकते यहाँ पर बन चुका है पहला पैराग्राफ एकदम परफेक्ट। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, केवल कॉपी पेस्ट करना है। जितनी बड़ी स्टोरी वीडियो बनानी है 10 मिनट 20 मिनट 5 घंटे 20 घंटे बन जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपन ने पहला पैराग्राफ कॉपी कर दिया था, अब दूसरा पैराग्राफ कॉपी करेंगे। उससे पहले क्या करना होगा, ये जो लिखा हुआ है इस पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद तीन बिंदी पर क्लिक करेंगे। तीन बिंदी पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इसका डुप्लीकेट कर देंगे, यानी कि इसका डुप्लीकेट करते जाना है और यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते डुप्लीकेट मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से देख सकते यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अभी टेक्स्ट चढ़ रहा है, तो इस तरीके से आपको खिसकाना है। देख सकते यहाँ पर अभी और चढ़ रहा है एक दूसरे के ऊपर टेक्स्ट, और इस तरीके से आपको खिसकाना है और खिसकाना है और खिसकाना है। देख सकते यहाँ पर गैप हो गया, इस तरीके से गैप नहीं होना। तो चलिए थोड़ा बैक में ले चलते हैं, और बैक में ले चलते हैं, और बैक में ले चलते हैं, तो इतना काफ़ी है। देख सकते यहाँ पर ये अपना पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, पर ये कॉपी किया था यही वही लिखा है और ये भी वही लिखा है, ओके। तो अब चलते हैं क्या नोट्स में, जो मैंने पहले से लिख के रख लिया था। तो चलिए नोट्स में चलते हैं और नोट्स में दूसरा पैराग्राफ कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे कि देख सकते ये पहला पैराग्राफ मैंने क्या है कॉपी कर लिया था, अब ये दूसरा पैराग्राफ कॉपी करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे, ऐसे ही सब पैराग्राफ कॉपी करते जाएंगे और वहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। अब बस कुछ नहीं बचा है इसमें, ओनली कॉपी पेस्ट करने को रह गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, चलिए अरे क्या हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैं कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब चलते हैं काइन मास्टर ऐप में। काइन मास्टर ऐप में जाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते ये अपना दूसरा पैराग्राफ है, इस पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद एडिट पर करेंगे एक बार क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि जो अभी कॉपी किया था ना वो ही यहाँ पर एक ही सेम लिखा है, और जो अभी कॉपी किया था नोट्स से वो यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो चलिए पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ओके पर करेंगे एक बार क्लिक। ओके पर क्लिक करने का अब देख सकते ये अपना पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। इसके बाद फिर इसको इसका डुप्लीकेट करेंगे, तो इस पर फिर से एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये तीन बिंदी पर क्लिक करेंगे। तीन बिंदी पर क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। अब केवल इसी तरीके से बस डुप्लीकेट करते जाना है। डुप्लीकेट करने के बाद अब इसको खिसकाना है, तो चलिए खिसका लेते हैं इस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ पर खिसका रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर
यहाँ पर शब्द चढ़ने नहीं चाहिए, ओके, यानी कि टेक्स्ट चढ़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको सेट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। इतना कुछ करने के बाद अब फिर से चलते हैं नोट्स में और वहाँ पे तीसरा पैराग्राफ कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो चलिए नोट्स में चलते हैं। नोट्स में जाने के बाद, चलिए नोट्स में पहुँच गए। नोट्स में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर पहला पैराग्राफ अपना कॉपी हो गया है, दूसरा भी वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया है। अब ये तीसरा पैराग्राफ बचा है, इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। इस तरीके से ये सभी हम कर देंगे यहाँ पर कॉपी पेस्ट। तो जितनी भी बड़ी स्टोरी वीडियो आप बनाने लगोगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं सही तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद काइन मास्टर ऐप में चलेंगे। काइन मास्टर ऐप में जाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना तीसरा पैराग्राफ है, इस पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट पर करेंगे क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कुछ लिखा है इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी डुप्लीकेट किया था ना, तो ये पिछला दूसरा पैराग्राफ है इसलिए इसको डिलीट कर देंगे। और जो अभी तीसरा पैराग्राफ अपन ने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ओके पर कर देंगे एक बार क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद अब फिर से यहाँ पर वही सेम प्रक्रिया है, फिर से इस पर क्लिक करेंगे यानी कि इसका डुप्लीकेट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर तीन बिंदी पर क्लिक करेंगे। तीन बिंदी पर क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद अब इसको देख सकते खिसकाएंगे। तो चलिए खिसका लेते इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते एक दूसरे के ऊपर शब्द चढ़ रहे हैं, तो और खिसकाएंगे और खिसकाएंगे और खिसकाएंगे और खिसकाएंगे। इस तरीके से आपको खिसका लेना, देख सकते यहाँ पर अब यहाँ पर गैप हो गया। इस तरीके से गैप नहीं होना चाहिए। थोड़ा और बैक में चलेंगे और बैक में चलेंगे। इतना कुछ करने के बाद अब चलिए फिर से चलते हैं नोट्स में और वहाँ पर चौथा पैराग्राफ कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ कॉपी हो चुका था। अब चलिए चौथा पैराग्राफ कॉपी करते हैं। बस इसमें अब कुछ नहीं, इसी तरीके से बस कॉपी पेस्ट रह गया है और डुप्लीकेट करने को रह गया है। और जितनी चाहो उतनी बड़ी आप स्टोरी वीडियो बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना काइन मास्टर ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते चौथा पैराग्राफ ये था जो, ओके, तो इस पर करेंगे एक बार क्लिक। फिर एडिट पर करेंगे क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद जो कुछ लिखा है इसे डिलीट कर देंगे और जो अभी नोट्स से कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद ओके पर करेंगे एक बार क्लिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग काफ़ी बड़ी स्टोरी हो चुकी है, ओके। इसी तरीके से आप जितनी चाहो उतनी बड़ी बना सकते हो स्टोरी वीडियो, रनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से डुप्लीकेट करते जाना है और जो आपने मैटर लिख लिया है वो कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। तो चलिए अब वीडियो को हम प्ले करके दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही है, एक दूसरे के ऊपर टेक्स्ट तो नहीं चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना पहला पैराग्राफ अच्छे से ओके रनिंग कर रहा है ऊपर की ओर। तो चलिए थोड़ा इसे निकाल देते हैं और निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते पहला पैराग्राफ है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते दूसरा पैराग्राफ जुड़ गया है और यहाँ पर पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ एकदम सही तरीके से रनिंग कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं चढ़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और निकालते हैं इसको, और निकालते हैं और आगे निकालते हैं और आगे निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते ये अपना तीसरा पैराग्राफ है, ये भी अभी यहाँ पर देख सकते ओके जुड़ जाएगा, देख सकते यहाँ पर। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। अभी देख सकते ये अपना पैराग्राफ है और यहाँ पर देख सकते ये अपना पैराग्राफ जुड़ चुका है और रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, ये ऊपर की ओर आ गया है ओके ये लाइन के। तो चलिए इसको भी अभी क्या सेंड टू बैक कर देंगे ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए ये है अपना पैराग्राफ। तो चलिए ये क्या इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर, तो कुछ नहीं सेंड टू बैक कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक बार क्लिक करना है या यहाँ पर, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते तीन बिंदी पर क्लिक करना है। तीन बिंदी पर क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से सभी आपको सेंड टू बैक कर देना है। ये भी देख सकते इसको भी सेंड टू बैक में कर देते हैं। तीन बिंदी पर क्लिक करेंगे,
तीन बिंदी पर क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे। ओके, इसी तरीके से आपको कर देना है ताकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आए रनिंग होने में। तो चलिए इसको भी कर देते हैं सेंड टू बैक। तो देख सकते यहाँ पर इस वाली लाइन के पीछे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है रनिंग होने में, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया पर यही एक वीडियो देखकर आप आराम से जितनी चाहो उतना टेक्स्ट यहाँ पर रनिंग करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें केवल अपनी आवाज़ देनी है। आवाज़ देने के लिए यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो ही अपन पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर रिकॉर्ड होती जाएगी। उसके लिए क्या देख सकते हैं, रिकॉर्ड पर करेंगे एक बार क्लिक और जो यहाँ पर रनिंग करेगा वो ही अपन पढ़ेंगे। तो चलिए रिकॉर्ड पर करते हैं क्लिक। रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी आवाज़ दे दी है, काफ़ी यहाँ पर मैंने दे दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर टेक्स्ट क्या अपना थोड़ा नहीं बोल पाए थे, इसी तरीके से आप भी नहीं बोल पाए होंगे। तो इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा इसको डिलीट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, और नीचे जाना है, ये कैंची के ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते कौन सा भाग हटाना है, लेफ्ट, तो लेफ़्ट पर कर देंगे एक बार क्लिक और लेफ़्ट वाला भाग चला जाएगा। ओके, अब चलिए हम वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर एक इतिहास रच दिया। भारतीय साइंटिस्ट विज्ञान के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत में जन्मी उस बेटी की जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भर के ऐसे मिसाल को अंजाम दिया था जो पूरी दुनिया में इतिहास बन गया। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने काफ़ी यहाँ पर बोल दिया था और अच्छे तरीके से यहाँ पर बोल आवाज़ भी अपनी मैच हो रही है और जो यहाँ पर चल रहा है ये भी सही तरीके से चल रहा है। अब अगर आपको और एट्रैक्टिव स्टोरी वीडियो बनानी है तो इसमें क्या बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दे देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए ऑडियो पर करेंगे एक बार क्लिक। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आप जहाँ से भी फोल्डर से लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए हम फोल्डर से लेंगे, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यूट्यूब फोल्डर में डले हैं मेरे काफ़ी सारे कॉपीराइट फ्री हैं, तो चलिए यहाँ से ये वाला हम बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेंगे। तो इस पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। प्लस के चिन्ह पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक आ चुका है। तो चलिए अब फिर से प्ले करके दिखाते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 का सफलता, तो यहाँ पर आपने देखा होगा बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ अभी ज़्यादा है, तो इसकी आवाज़ कम करने के लिए फिर से यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिक्सर पर क्लिक करेंगे और 100% से इसको 20% के आसपास रख देंगे, तो 20% कर देंगे। अब चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक, तो यहाँ पर देखा अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इसी तरीके से अच्छा लग रहा होगा, यानी कि ठीक ठाक आवाज़ आ रही होगी। चलिए 30% कर लेते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को चंद्रयान 3, तो यहाँ पर देख सकते 30% ठीक है। इतना कुछ करने के बाद अब जैसे कि अपनी स्टोरी वीडियो 20 मिनट की है या 2 घंटे की है, तो 2 घंटे तक ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहे उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक पर फिर से एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देख सकते यहाँ पर लूप और लूप टू एंड, इन दोनों को इनेबल कर देना है, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक अपना जितना बड़ा वीडियो होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर
अपना जितना बड़ा वीडियो है वहाँ तक बैकग्राउंड म्यूजिक पहुँच गया है, जबकि यहाँ तक मैंने नहीं बनाया है फिर भी वहाँ तक ये बैकग्राउंड म्यूजिक पहुँच गया है। चलिए वीडियो भी प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखा अपना एकदम परफेक्ट स्टोरी वीडियो बनकर हो गई है तैयार। भारत के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार, तो इसको सेव करने के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना इतना एक्स्ट्रा है, तो चलिए एक्स्ट्रा हटा देते हैं। जैसे कि मान के चलो अपना ये इतना एक्स्ट्रा है, ये किसी काम का नहीं है, वीडियो से हटाना है। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से आपको देख लेना है कितना आपको वीडियो से हटाना है। जैसे कि मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ तक है, मान के चलो यहीं तक मैंने वीडियो बनाया है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा भाग है ये सब डिलीट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, बस ये पहली इमेज को डिलीट कर देना। तो इस पर करेंगे एक बार क्लिक करने के बाद कैंची के ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कौन से साइड का पड़ रहा है, राइट, तो राइट पर कर देंगे एक बार क्लिक, राइट साइड वाला भाग डिलीट हो जाएगा। अब अपना उतना ही वीडियो रह जाएगा जितना वीडियो आपको ज़रूरत है। भारत के वैज्ञानिकों, यहाँ पर देख सकते हैं अपने उतना ही वीडियो रह गया है जितना वीडियो ज़रूरत है। 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। तो वीडियो इस तरीके से पूरा बन चुका है। अब वीडियो सेव करने के लिए यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी आप वीडियो की क्वालिटी रखना चाहते हो वो वीडियो की क्वालिटी रख सकते हो, और सेव अस वीडियो पर कर देना है एक बार क्लिक। सेव अस वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये लाइन पूरी भर जाएगी और आपका वीडियो सेव हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आए वीडियो बनाने में तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, आपका समाधान होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।